विवाद से जुड़ी हुई, जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। तिरुपति में जो कुछ भी हुआ वो सनातन के साथ में साजिश है, ये बात आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा कही गई है। सनातन को मिटाने की साजिश की जा रही है प्रमोद कृष्णम ने, और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। सनातन को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिशें, और इन साजिशों में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि सनातन को मिटाने की जो साजिश हो रही है उसमें भारत के कुछ राजनीतिक दल भी सम्मिलित हैं। तिरुपति मंदिर का जो पूरा प्रकरण है वो सनातन को भ्रष्ट करने की एक साजिश है। मैं उज्जैन की पावन धरती से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और उनकी सरकार से आग्रह करता हूं कि सनातन को बचाने के लिए, सनातन को शक्तिशाली बनाने के लिए, सनातन को और सशक्त बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, क्योंकि यदि सनातन कमजोर हुआ तो भारत कमजोर। वन नेशन वन इलेक्शन भी आवश्यक है और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जरूरी है। देखिए कौन क्या कह रहा है ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है, विषय ये महत्वपूर्ण है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। भारत की जो बढ़ती आबादी है ये भारत के लिए खतरा है, इसलिए आबादी का नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण होना अनिवार्य है और इसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए।